2024 आधा खत्म हो चुका है लेकिन इंडियन सिनेमा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ऑडियंस को देते हुए चले जा रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट नहीं कर पा रही है लेकिन ऑडियंस में बखूबी इन्होंने जगह बना ली है। तो आज की लिस्ट की 10 मूवीज में से कुछ मूवीज आपने देखी होगी और कुछ नहीं देखी होगी, तो यही लिस्ट को मैं फुल्ली कंप्लीट करने वाला हूँ, तो लिस्ट को एंड तक देखिएगा। तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला। नंबर 10 की मूवी है 2024 की दंगी। ये कुछ आती है 5.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो अभी एकदम कट्टर दुश्मन बन चुके हैं और ना चाहते हुए भी ये लोग एक कॉलेज में मिलते हैं और वहाँ पर यही दुश्मनी की वजह से कॉलेज अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है और जहाँ पर एक दूसरे को ये लोग डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं और यही सब चीज में कॉलेज कैसे दाव पे लग जाता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी का सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है इसका कैमरा एंगल। जिस तरीके से इसमें कैमरा एंगल यूज किया गया है, ट्रांजिशन यूज किया गया है, वो आपको एकदम काफी हुक रखता है। ये मूवी एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है और इस मूवी के जो डायरेक्टर है बिजॉय नॉम्बियर, मैं उन्हें बहुत काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। उनका सिनेमा एकदम अलग ही लेवल का रहता है, तो डेफिनेटली मूवी को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर ट्राई करेगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। शुरू तू करेगा, खत्म मैं करूंगा। नंबर 9 की मूवी है 2024 की शैतानी। कुछ आती है 6.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक ट्रिप पे जा रही होती है और तभी अचानक से एक स्ट्रेंजर ये लोग को मिलता है और इन लोग से मेल जोल बढ़ाता है और तभी इन फैमिली मेंबर में से वो लड़की को कुछ खिला देता है और उसको अपने वश में कर लेता है। जैसे जैसा वो बोलते जाता है वो लड़की वैसा वैसा करते हुए चली जाती है और ये फैमिली को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी बच्ची को बचाए तो बचाए कैसे। अब ये फैमिली किस तरीके से ये स्ट्रेंजर से लड़ती है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी की सबसे बड़ी खास बात है आर माधवन। जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिव रोल ये मूवी में निभाया वो कोई इनसे बेटर कर ही नहीं सकता था और अजय देवगन एज यूजुअल अपना बाप का रोल निभा रहे होते जैसे उन्होंने दृश्यम में निभाया था। ये मूवी कमाल का हॉरिफाइंग और टेरर वाला माहौल पूरे टाइम बना के रखती है। ये मूवी हालांकि कुछ जंप स्केयर आपको लगेंगे नहीं लेकिन जिस तरीके से ये मूवी शूट की गई और जिस तरीके से प्रेजेंट की गई वो काफी इंगेजिंग है। ये मूवी भले ही एक रीमेक हो लेकिन ये वेल एग्जीक्यूटेड रीमेक है एक्सेप्ट क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इसका थोड़ा सा ठंडा लगता है मुझे। जिस तरीके से वश का क्लाइमेक्स था इसका क्लाइमेक्स वो लेवल मैच नहीं कर पाता है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। नंबर 8 की मूवी है 2024 की मडगांव एक्सप्रेस। ये कुछ आती है 7.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका बचपन से ही गोवा जाने का सपना रहता है लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जब ये लोग बड़े होकर रियूनियन करते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम फाइनली गोवा जाने वाले हैं और फिर जब ये लोग गोवा पहुंचते हैं वहां पर उनकी मुसीबतें अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। इनके पीछे लग जाते हैं ड्रग लॉर्ड, पुलिस और कुछ ऐसे लोग जो इनको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने वाले। अब ये तीन दोस्तों की टोली किस तरीके से ये मुसीबत से निकलने वाली उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी के जो डायरेक्टर थे खेमू उन्होंने ये बता के रख दिया कॉमेडी जॉनरा अभी तक इंडिया में मरा नहीं है। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले और कॉमेडी पंचेस लिखा गया है वो आपको काफी हंसाने वाला है। ये मूवी आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। काफी टाइम बाद मैंने कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देखी जिसका कॉमेडी पंचेस एकदम टाइम टू टाइम हिट करेगा। ये मूवी हर एक चीज को अच्छे तरीके से पकड़ के चलती है और ये मूवी में एक दो नेगेटिव पॉइंट है लेकिन वो इग्नोर किया जा सकता है। ये मूवी आपको मिल जाएगी प्राइम वीडियो पे। पूरी जिंदगी गोवा नहीं पा रहे थे, अब यहां से जा नहीं पा। नंबर 7 की मूवी है 2024 के ब्रह्म युगम। ये कुछ आती 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जंगल में खो चुका है और फिर अचानक से उसको एक हवेली दिखती है और वहाँ वो पहुंचता है। हवेली में बस दो जन रहते हैं, एक रहता है उसका मालिक और एक उसका नौकर। उसके बाद वो आदमी वो हवेली में शरण ले लेता है। फिर वो आदमी देखता है कि ये हवेली जैसी बाहर से दिखती है वैसे अंदर से है नहीं। ये हवेली में बहुत ही ज्यादा क्रीपी क्रीपी चीजें और हॉरिफाइंग चीजें उसके साथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये आदमी कैसे इस हवेली से अपनी जान बचा के बाहर निकलता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि ये मूवी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में शूट हुई है जिसकी वजह से ये मूवी का एक्सपीरियंस 10x ज्यादा हो जाता है और ममूटी सर ने जिस लेवल की एक्टिंग ये एज में आके कर दी है उस तरीके की एक्टिंग कोई मैच ही नहीं कर सकता उनको ये एज में। ममूटी सर पूरे 100% ये मूवी को अपने कंधे पर लेके चलते हैं और ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया और जो जंप स्केयर है ये मूवी में अच्छे खासे है जिसकी वजह से ये मूवी अच्छी खासी हॉरिफिक वाली वाइब भी दे देती है और ये मूवी मलयालम सिनेमा की तरफ से आती है। कम से कम बजट में हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे देना ये मलयालम सिनेमा से सीखो। जो बिना टाइम वेस्ट करते हो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सिर्फ आपको कहानी और स्टोरी टेलिंग से आपको आप बांध के रखते हैं और ये मूवी वही काम करती है। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखिएगा। ये मूवी आपको सोनी लिप पे ड्यूअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तुम विधि के साथ दो बार युद्ध नहीं खेल सकते। नंबर 6 की मूवी है 2024 की हनुमान। ये कुछ आती है 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के को ना चाहते हुए भी हनुमान की शक्तियाँ मिल जाती है। वो हनुमान की शक्तियाँ उसके लिए क्या मुसीबत खड़ी करने वाली है और उसके ऊपर से गांव के ऊपर एक ऐसे शख्स की नजर पड़ चुकी है जो उस गांव को तबाह करने पे तुल चुका है क्योंकि उस गांव में ऐसी पावन शक्ति बसी पड़ी है जो उसको अलग ही लेवल की ताकत देने वाली है। अब हनुमान जी की शक्तियों वाला लड़का और ये बंदा आमने सामने आ चुके हैं। अब कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, क्या ये पूरा गांव दांव पे लग चुका है कि नहीं लग चुका है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी
मूवी की सबसे बड़ी मेन हाईलाइट पॉइंट है इसका VFX और CGI। आपको जो मेजमराइजिंग VFX और CGI इसमें देखने मिलेगा वो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि इस कम बजट में इतना हाई लेवल VFX देना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी रिसेंटली रिलीज हुई एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आदि पुरुष, जिसका बजट 700 करोड़ होकर भी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए थे। और ऊपर से ये मूवी की कहानी और इसका स्क्रीन पे ये मूवी के लिए एकदम पॉजिटिवली काम करता है, जिसकी वजह से ये मूवी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देके चली जाती है। और जिस तरीके से इनमें हनुमान जी को पोर्ट्रे किया गया था वो आपके दिलों में बस जाएगा, और इसका जो लास्ट वाला सीन है वो लिटरली एकदम घूसबम देके रख देगा आपको। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखेगा, ये आपको जियो सिनेमा पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। नंबर 5 की मूवी है 2024 की प्रेमालू। ये कुछ आती है 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें सचिन दिखाया जाता है जो नया नया शहर में आया है अपनी स्टडीज के लिए, और फिर उसको पहली नजर में रेनू से प्यार हो जाता है जो उसकी कॉलेज कलीग्स रहती है। और फिर उसके बाद रेनू किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और वो एकदम कंफ्यूज रहती है। फिर उसके बाद यही सब चीज की वजह से सचिन की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, और रेनू और सचिन के रिश्ते के बीच कोई थर्ड पर्सन की एंट्री भी हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोग का रिश्ता और कॉम्प्लिकेशन में घुस जाता है। तो क्या सचिन को रेनू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको बिना कोई क्रिंज सीन्स दिखाए हुए अच्छा खासा लाइट हार्टेड कॉमेडी रोमांस दिखाती है, और आपको ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली अपने कॉलेज डेज की याद आ जाएगी और अपने फर्स्ट लव की भी याद आ जाएगी। ये मूवी की जो मेन लीड है लिटरली उन्होंने टॉप लेवल की एक्टिंग की, जिसकी वजह से ये मूवी काफी इंटरेस्ट बना के लगती है स्टार्ट से लेके एंड तक का। ये मूवी ब्यूटीफुली मिडिल क्लास लड़के का स्ट्रगल भी दिखाती है, जिससे आप काफी रिलेट करने लग जाओगे। ये मूवी देखने के बाद इसमें कई सारी चीजें होती है जो आपसे रिलेटेबल लगती है, जिसकी वजह से ये मूवी अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे पाती है। और ये मूवी का जो स्क्रीन प्ले वो सेकंड मोस्ट फेवरेट थिंग है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये मूवी के 2.5 घंटे कहां निकल गए, और इतनी ब्यूटीफुली ये लव स्टोरी को दिखाती है बिना कोई कॉम्प्लिकेशन किए हुए कि आपको मजा आ जाएगा। और जो इसका क्लाइमेक्स रहता है वो इतना रिलेटेबल नहीं लगता, लेकिन अच्छा खासा एंडिंग दे देता है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली ये मूवी को मिस आउट नहीं करना चाहिए। और ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डुअल ऑडियो में अवेलेबल है। रीनू, आई रियली लव यू। नंबर 4 की मूवी है 2024 की चमकीला। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है अमर सिंह चमकीला की, जिनको गाना गाने का बहुत ही शौक होता है, लेकिन समाज ये चीज के लिए तैयार नहीं बैठा है। लिटरली उनके गाने इतने कॉन्ट्रोवर्शियल होते थे कि समाज हमेशा उनके ऊपर थूकने के लिए तैयार बैठा रहता था, लेकिन वो समाज से लड़ जाते अपने गाने के लिए। लोग उनके कॉन्ट्रोवर्शियल गाने सुनना पसंद करते थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो उनके गाने को एकदम रिजेक्ट करके रख देता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये गाना गाना नहीं छोड़ा। और उन्हीं के ऊपर ये कहानी फोकस करती है कि कैसे उनको मारा गया और कैसे उनकी लाइफ में जितने स्ट्रगल आए, कितनी मुसीबतें उन्होंने झेली। ये मूवी हर पहलू में ब्यूटीफुल तरीके से उनकी कहानी को प्रेजेंट करती है। और ये मूवी को डायरेक्ट किया था इम्तियाज अली ने। आप सोच सकते हो कि किस लेवल की ब्यूटीफुल तरीके की सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और गाने होंगे ये मूवी में। इम्तियाज अली का जहां पर भी नाम आया तो समझ लो वो मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई है। ये मूवी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज थी वो थी दिलजीत दोसांझ, और कोई बंदा ही नहीं था जो अमर सिंह चमकीला को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से निभा सकता था। और अगर आपको कभी भी शक लगे कि परिणीति चोपड़ा एक्टिंग नहीं कर सकती तो उनको ये मूवी जरूर दिखाना। लिटरली उन्होंने पर्दा फाड़ के रख दिया। ये मूवी आपको काफी इंगेज करके रखती है, भले आपका इंटरेस्ट गाने और सिंगर में हो कि ना हो, तो ये मूवी जरूर आप देखिएगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। नंबर 3 की मूवी है 2024 की आवेशम। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 3 लड़के दिखाए जाते हैं जो नए नए शहर में आते हैं और एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको सीनियर लोग बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं, और इसी कारणवश वो 3 लड़के एक उसी शहर के एक डॉन से दोस्ती कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब आप कोई गैंगस्टर से दोस्ती करते हो तो उसके साथ एक अलग ही लेवल की मुसीबत आती है, और वो गैंगस्टर एकदम सनकी है, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। और फिर उसके बाद ये सब चीज करने की वजह से ये तीनों लड़के की जिंदगी कैसे बदल जाती है और वो गैंगस्टर किस तरीके से तूफान मचाता है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आप देखने के बाद आपको एक ही बंदा सिर्फ याद रह जाएगा, वो है फहद फासल। लिटरली ये बंदे ने स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस दे दी। अगर आपको तगड़ा मांस मसाला सिनेमा देखना है तो ये मूवी आप मिस आउट करनी नहीं चाहिए। अगर आपने ये मूवी को मिस कर दिया तो आपसे बड़ा पापी फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये मूवी का जो क्लास मास वाला एक्शन है लिटरली आपको सीटी मारने पर मजबूर कर देगा, भले आप थिएटर में बैठे हो भले आप घर में बैठे हो। लिटरली ये मूवी आपको चैन की सांस नहीं लेने देगी, और यही ले तो बोलते कि साउथ सिनेमा बहुत ही आगे निकल चुका है। ये मूवी आपको Amazon Prime पे देखने के लिए मिल जाएगी। नॉट द गनफाइट नेक्स्ट टू थर्सडे। ओके।
टाटा। नंबर दो की मूवी है 2024 की लापता लेडीज। ये कुछ आती है 8.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी शादी होती है और फिर जब वो अपने गांव जा रहा होता है तभी उसकी जो दुल्हन रहती है वो एक्सचेंज हो जाती है। फिर उसके बाद ये बंदे को जब पता चलता है कि उसकी दुल्हन एक्सचेंज हो गई है उसके बाद ये जाता है पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। अब इसकी दुल्हन मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी की कहानी जितनी आपको सुनने में सिंपल लग रही होती है ये मूवी ब्यूटीफुल है। ये मूवी के जितने भी कैरेक्टर है लिटरली आपके दिल में बस जाने वाले और ये मूवी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सादगी से शूट की गई है और इसकी कहानी आपको एकदम मेजमराइज करके रख देगी स्क्रीन के साथ। ये मूवी बिना कुछ हु हल्ला किए हुए आपको अच्छा खासा सिनेमा दिखाती है जो क्लास सिनेमा होता है। और ये मूवी की सबसे बड़ी मेन हाईलाइट पॉइंट है इसकी स्टोरी और इसका जो बैकग्राउंड रहता है गांव वाला वो आपको लिटरली अपने गांव की याद दिला के रख देगा। और ये मूवी का जो बैकड्रॉप रहता है और जो सिंपल और ब्यूटीफुल वाला रोमांस वाली चीजें है ये मूवी अच्छे से कैप्चर कर लेती है और लिटरली ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 2024 की और किरण राव ने इसको बहुत ही सादगी से बनाया है। तो डेफिनेटली मूवी को आप जरूर देखेगा और अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ये मूवी इतनी प्यारी मूवी है ये और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। नंबर वन की मूवी है 2024 की मंजूमल बॉयज। ये कुछ आती है 8.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो घूमने के लिए निकलता है और वो लोग जा रहे तो है गुना केव और गुना केव इस दुनिया की सबसे गहरी खाई है और वहां पर आप अपने दुश्मन को भी भेजना नहीं पसंद करोगे। और ये ग्रुप निकल जाता है वो जगह को विजिट करने के लिए और वहां पर जब वो लोग घूम रहे होते हैं उनमें से एक बंदा उस केव में गिर जाता है और फिर उसके बाद ये ग्रुप नहीं चाहता कि वो उस बंदे को छोड़ के वहां से जाए और किसी भी तरीके से वो उसको निकाल के अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। अब ये ग्रुप क्या करता है आगे उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी सबसे बड़ी मेन हाईलाइट पॉइंट है इसकी स्टोरी। लिटरली आपको इतना एज ऑफ द सीट बना के रखेगी कि आप एक सेकंड के लिए अपनी पलके इधर से उधर नहीं कर सकते। और ये मूवी में जो ग्रुप दिखाया जितने भी एक्टर थे लिटरली उन्होंने टॉप लेवल की एक्टिंग की है। जो सीरियसनेस और जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है आपको एकदम बोन चिलिंग वाइब दे के चला जाएगा और ये मूवी टाइम टू टाइम आपको एंजाइटी फील कराते रहेगी। भले ही ये मूवी मैंने टीवी में देखी लेकिन किस लेवल की एंजाइटी मुझे फील हुई ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। और सैल्यूट टू उन लोग को भाई जिन्होंने ये मूवी को थिएटर में देखा है उसका अलग ही लेवल होगा। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी मेरी टॉप 10 इंडियन मूवीज जो अभी रिसेंटली OTT पर ऐड हुई है और ये सब बाप लेवल वाली मूवीज है। तो इनको मिस आउट मत करिएगा, फिर मत बोलिएगा कि इंडियन सिनेमा में अच्छी मूवी बनती नहीं है। अगर इस लिस्ट में से आपने कोई भी मूवी देख ली और आपको कोई भी मूवी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली लिस्ट में।